हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास यस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप इसका मोबाइल ऐप यूज करते हैं और किसी वजह से आप ऐप का एम पिन भूल गए हैं, तो कैसे आप खुद से इसको रीसेट कर सकते हो, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यस बैंक का मोबाइल ऐप। इस ऐप को करते हम ओपन। अगर आपने इस ऐप में अब तक लॉगिन या रजिस्टर नहीं किया तो मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट ऐसे दिखता है। यहाँ पर आपको एम पिन एंटर करना होता है। अगर आप कोई भी एम पिन एंटर करते हो जो आपके अकॉर्डिंग है, अगर आपको गलत बताता है तो आपको कैसे रीसेट करना है हम लाइव में देखेंगे। तो चलिए मैं एम पिन एंटर करके चेक करता हूँ, सबमिट करेंगे और आपको इस तरह से गलत एम पिन बताएगा, नीचे आप देख सकते हो। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, फॉरगॉट एम पिन पर क्लिक करना है। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे दिखेगा। अगर आपका अकाउंट है तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, अगर आपका क्रेडिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर नेट बैंकिंग। तो हमारे पास है क्रेडिट कार्ड, हम क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कार्ड का 16 डिजिट का नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका साल हो बर्थ का। तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका बर्थ का साल है, सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहां से मंथ सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका बर्थ का मंथ है, यहां से आप ड्रैग भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बर्थ का डेट है, और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ से हम अपना कार्ड का एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको मंथ एंटर करना है यहाँ से, जो भी कार्ड के एक्सपायरी मंथ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी कार्ड का एक्सपायरी ईयर है। और उसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऐसे दिखेगा, आपके रजिस्टर नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है, ये वाला आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आप अपना नया एम पिन आप बना सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको एम पिन बनाना हो 6 डिजिट का, वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और सेम पिन आपको नीचे री एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ से पहले एम पिन क्रिएट कर लेता हूँ 6 डिजिट का यहाँ से, और यही एम पिन हम नीचे भी सेम एंटर करेंगे यहाँ पे। चलिए सेम एम पिन में यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। और उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। और आप देख सकते हो सक्सेसफुली आपका एम पिन बन चुका है। चलिए प्रोसीड करके मैं आपको लॉगिन लाइव करके दिखाता हूँ। ये हमसे फिंगरप्रिंट के लिए पूछ रहा है, चलिए फिंगरप्रिंट को भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। लगे हाथ यस पे क्लिक करते हैं और फिंगरप्रिंट सेंसर पे हम अपना फिंगर स्कैन करेंगे और आप देखोगे कि जो फिंगरप्रिंट भी एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। मैं और यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लाइव लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एम पिन के थ्रू लॉगिन करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, मैं आपको एम पिन के थ्रू दिखाऊंगा। तो जो हमने एम पिन बनाया था वो आप यहाँ से हम एंटर कर लेंगे, ताकि लाइव हम देख पाएँ जो हमने एम पिन बनाया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एम पिन एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐप के अंदर हम आ चुके हैं, हमने एम पिन को रीसेट कर लिया है सक्सेसफुली। अब आप इजीली ऐप का यूज़ कर सकते हो और अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह से आप एम पिन को खुद से रीसेट कर सकते हैं। और अगर आपको यस बैंक से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके और भी काफी यूजफुल वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। इसे आप अपने व्हाट्सएप में दोस्तों में शेयर कीजिए, हो सकता है किसी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।